हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एस वाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्णा और सुदामा के मित्रता के बारे में सुनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें इस दुनिया में दोस्ती का वास्तविक अर्थ और मूल्य सिखाती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने कृष्ण से मिलने और उनके कार्यों में भाग लेने के लिए तैयार होने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का सच्चा भक्त भी माना जाता है। सुदामा का जन्म एक निम्न आय वाले परिवार में हुआ था। दूसरी ओर कृष्णा शाही पृष्ठभूमि से थे। हालांकि उनकी स्थिति के बीच का अंतर उनकी सच्ची दोस्ती या बंधन में बाधा नहीं बना। सुदामा और कृष्ण दोनों अविभाज्य थे। आज तक उनकी एकता ग्रह के आगे सच्ची मित्रता का एक उदाहरण है। अक्सर फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर उन्हें याद किया जाता है। एक साथ पढ़ाई खत्म करने के बाद कई सालों तक संपर्क टूटने के बाद भी उन्होंने दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। सुदामा के दिल और आत्मा में हमेशा भगवान कृष्ण थे और वे तब तक उनके बारे में सोचते रहे जब तक वे दोबारा नहीं मिले। जब सुदामा कई वर्षों के बाद कृष्ण से मिले तो वह पूरी घटना अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उस वक्त को याद करते हैं तो उन दोनों की दोस्ती, एक दूसरे के लिए जो प्यार था, उसके बारे में सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र और गुरुकुल में सहपाठी थे और उन्होंने गुरु सांदीपनी के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन न तो कृष्ण और न ही सुदामा अपनी दिव्य मित्रता को भूल पाए। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हुए। सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे, लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे। इस बीच भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी से बहुत पीड़ित था और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। लेकिन सुदामा ने केवल मदद के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण का सच्चा भक्त था और नहीं चाहता था कि वह स्वार्थी महसूस करे, क्योंकि वह वास्तव में एक शुद्ध और आध्यात्मिक ब्राह्मण था। सुदामा अंततः भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए यात्रा करने के लिए सहमत हो गए। वह कपड़े के टुकड़े में कुछ पीटे हुए चावल बांधकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि कृष्ण को पीटा हुआ चावल बहुत पसंद था। कृष्ण और सुदामा की दिव्य प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिससे प्रभु स्वयं मित्रता मांगते हैं। सुदामा को अपनी निम्न स्थिति का एहसास होने के कारण संकोच हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप एक राजसी हैं, हम कभी दोस्त कैसे बन सकते हैं? जरूरत के समय दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, बस मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं आपके मित्र के रूप में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। मैं तुमसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण का मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्वारका के राजा के महल में पहुंचते ही सुदामा ने द्वारपालों से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्हें प्रवेश करने देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा उनके बचपन के दोस्त थे। यहां तक कि
द्वारपालों ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फट गए थे। लेकिन उन्होंने द्वारपालों से अनुरोध किया कि वे कृष्ण को उनके आगमन के बारे में सूचित करें। कई अनुरोधों के बाद द्वारपालों ने कृष्ण से सुदामा के बारे में पूछने का फैसला किया। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने के बारे में बताया। भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़कर द्वार की ओर भागे, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचे बिना ही सबके सामने काफी देर तक उसे गले लगाए रखा। यहाँ तक कि हर कोई इतना हैरान था कि बेचारा ब्राह्मण द्वारका के राजा भगवान कृष्ण का सहयोगी था, जिसने ग्रह पर मित्रता शब्द की नई नींव रखी थी। सुदामा वहाँ से वापस जाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण कृष्ण का जनता के सामने अपमान हो। फिर भी कृष्ण ने उन्हें रोका और अपने रक्षकों से सुदामा का अपने महल में स्वागत करने को कहा। कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को ईश्वरीय उपचार देने के लिए अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण ने अपनी दासियों से कहा कि वे सुदामा के सभी फटे हुए कपड़ों को उतार दें और उन्हें शाही कपड़ों में बदल दें, ताकि उन्हें अधिक आराम महसूस हो और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा इस तरह के अप्रत्याशित शाही व्यवहार को देखकर रो रहे थे। फिर कृष्ण ने सुदामा को अपनी दासियों द्वारा परोसे गए भोजन की पेशकश की और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा इस तरह के अप्रत्याशित शाही व्यवहार को देखकर रो रहे थे। भोजन के बाद कृष्ण और सुदामा ने आराम किया और अपने पुराने दिनों के बारे में चर्चा की। कृष्ण ने देखा कि सुदामा उनसे कुछ छिपा रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, और मुझे लगता है कि भाभी जी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन है। उन्होंने सुदामा से उपहार निकालने का अनुरोध किया। सुदामा ने इसे छुपा दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह छोटा सा उपहार द्वारिका के राजा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण ने उपहार को धीरे से स्वीकार कर लिया, जो कपड़े के टुकड़े से बंधे कुछ चावल थे, और कृष्ण ने उपहार की बहुत प्रशंसा की कि यह उपहार उनके जीवन में अब तक मिला सबसे अच्छा उपहार था, और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया और चावल को अपनी पत्नी के साथ साझा किया। कुछ घंटों के बाद सुदामा ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले कृष्ण ने कहा, पुरानी यादों पर चर्चा करते हुए वह सुदामा से आने का औचित्य पूछना भी भूल गए। उन्होंने धीरे से पूछा, द्वारका कृष्ण के महल जाने का औचित्य क्या था? सुदामा ने सारा तनाव भूलकर धीरे से उत्तर दिया। उन्होंने उसे संतुष्ट करने का हवाला दिया, उनसे उनकी कोई मांग नहीं है। सुदामा ने अपने हृदय में कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति लेकर महल छोड़ दिया। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्या ईश्वर हमसे बेहतर जानता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं? हमें हर चीज के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद से होता है। ईश्वर हमसे कहीं बेहतर योजना बनाता है। सुदामा के मामले में कृष्ण ने उन्हें धन और संपत्ति से पुरस्कृत किया, भले ही सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। भगवान हमेशा सच्चे लोगों को इनाम देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण ने सुदामा को केवल इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह उनका बचपन का मित्र था, लेकिन यह सही नहीं है। कृष्ण ने उन्हें पुरस्कृत किया क्योंकि अपने पूरे जीवन के दौरान सुदामा ने आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया और कई अन्य लोगों को धार्मिक कर्तव्यों के बारे में सिखाया। कृष्ण ने उसे केवल इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह एक अच्छा व्यक्ति था
और भगवान चाहते थे कि वह अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ इस आध्यात्मिक पथ को जारी रखे। यह कृष्ण और सुदामा के वचन की सुंदरता थी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।